टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। बुलंदशहर की पहासू पुलिस ने 4 घंटे के अंतर्गत ट्रक लूट और ट्रक चालक की हत्याकांड का खुलासा करते हुए 1 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया ट्रक और आरोपियों की निशानदेही पर मृतक चालक का शव भी बरामद कर लिया है। दरअसल मृतक ट्रक चालक 21 सितंबर को दिल्ली से ट्रक में माल भरकर गुवाहाटी असम के लिए निकला था। वहीं 3 दिन बाद भी ट्रक और चालक से मालिक का कोई संपर्क न हो सका। ट्रक मालिक की चिंता उस वक्त बढ़ गई जब 23 सितंबर तक भी ट्रक की लोकेशन बुलंदशहर और हापुड़ के इर्द गिर्द आ रही थी। मालिक द्वारा इसकी सूचना पहासू पुलिस को दी गई और पहासू पुलिस ने बिना देरी किए ट्रक में लगे GPS को ट्रेस करना शुरू कर दिया और इस तरह कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपियों को हापुड़ के धोलाना इलाके से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब आरोपी लूटे गए ट्रक से माल उतार रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में 1 महिला भी शामिल थी और जब इन लोगों से सख्ती से पूछताछ की गई तो सामने आया कि इन्होंने ट्रक चालक की हत्या कर उसके शव को पहासू क्षेत्र में ही फेंक दिया है। सब मैं तो पहली बार गई, नहीं क्यों गई, क्या क्या वजह से? मेरी वजह ये थी, मेरे मकान मालिक ने घर में ताला लगा दिया था, बाहर निकाल दिया। इन्होंने बोला 5,000 रुपए देंगे और मैंने सोचा 5,000 रुपए मिलेंगे, मैं फिर बच्चों के ताला वाला खुल जाएगा मकान मालिक ताला। तुम्हारे संपर्क में कौन आया सबसे पहले? ये राजेश है ना, ये यहीं पे रहते थे, सिलाई काम करते थे। क्या कहा राजेश ने तुमसे? तुम्हें पैसे मैं दे दूंगा, तुम्हें वहाँ चलना है, बस तुम्हें उसमें बैठना है ट्रक में सवारी बन के और बाकी हम अपना आप देखेंगे। परिवार वगैरह है तुम्हारा? शादी, बच्चे बच्चे? हाँ बच्चे, मेरे 3 बच्चे। देखिए, एक हरियाणा फरीदाबाद से एक ट्रक जिसमें बम्पर लगे थे जो गुवाहाटी जा रहा था, उस ट्रक को गाजियाबाद के लालकुआ नामक स्थान पे कुछ लोगों ने रोक करके एक महिला जिसका नाम सोनम है, लालकुआ की रहने वाली है, और इसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ट्रक में बैठाया कि सवारी के रूप में इसे आप लेते जाएं, आगे कानपुर तक जाना है। ट्रक ड्राइवर ने महिला को गाड़ी में बैठा लिया। ये 22 तारीख की रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास महिला और उसके साथी को ट्रक वाले ने लाल कुआं पर बैठाया। वो ट्रक वहाँ से चलकर गाजियाबाद से चलकर अलीगढ़ होते हुए सिकंदरा राव तक पहुँचा, जहाँ इन लोगों ने चाय पीने की इच्छा व्यक्त की। ट्रक वाले को भी लाया, इन्होंने चाय पिलाया, चाय में नींद की ज़्यादा गोलियाँ डाल दी। चाय पीते ही ट्रक ड्राइवर ने कहा कि मुझे ज़्यादा नींद आ रही है, मैं चल नहीं पाऊँगा। इन लोगों ने कहा हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं, आप सो लीजिए। इसके बाद पीछे पीछे एक बुलेरो भी थी इनकी, एक संगठित गिरोह है। उस बुलेरो में जो अपराधी थे, जब उन्होंने देखा कि ड्राइवर गहरी नींद में है तो ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया, ट्रक की दिशा बदल दी और फिर ये अलीगढ़ होते हुए हमारे जनपद में छतारी थाना क्षेत्र में प्रवेश किए, वहाँ से पहासू होते हुए गाजियाबाद गए, गाजियाबाद से दोबारा ये धौलाना पहुँच गए हापुड़ जनपद में। जब मालिक ने GPS के हिसाब से ट्रक की लोकेशन देखी तो उसे लोकेशन हापुड़ में मिली, उसे शक हुआ। फिर उसने GPS का डिटेल देखा तो हमारे यहाँ पहासू थाना क्षेत्र में सुबह करीब 7:30 से 8 के बीच में आधे घंटे तक वो ट्रक खड़ा रहा। उस लोकेशन के आधार पर ट्रक मालिक ने यशो पहासू से संपर्क किया और बताया कि हमारा ट्रक जिसे गुवाहाटी जाना था उसकी दिशा बदल गई है और वो आपके क्षेत्र में करीब आधे घंटे रहा है, ड्राइवर का फ़ोन नहीं मिल पा रहा है और हापुड़ में उसकी लोकेशन है। इस सूचना पर यशो तत्काल हापुड़ पहुँचे, वहाँ ट्रक मालिक भी आ गया था, इन्होंने लोकल हापुड़ पुलिस से सहयोग लिया। इसके बाद GPS लोकेशन के आधार पर उस ट्रक को ट्रेस किया गया, वहाँ पर 2 लोग मिले, 3 लोग जो उस माल को उतरवा रहे थे, उन्होंने माल को खरीदा। तो इस तरह से घटना का अनावरण हुआ। जब उन अपराधियों से पूछा गया तो जानकारी में आया कि जब ड्राइवर को नींद की गोली अधिक दे देने की वजह से उसकी डेथ हो गई, इन्होंने पहासू थाना क्षेत्र में
सरपटों के बीच में उसके शव को छुपा दिया। फिर आने पर थाने लाने पर मुकदमा दर्ज किया गया और उस अभियुक्त जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे उनकी निशानदेही पर ट्रक ड्राइवर का शव बरामद किया गया। सर अन्य घटनाएं भी कार्य की गई हैं। अब इसमें कुल 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें वो महिला है जो सवारी बनकर के बैठी थी, 2 अभियुक्त राजेश और सलीम ये शातिर अपराधी हैं, ये वो अपराधी हैं जिन्होंने ट्रक को कब्जे में लिया था और उस पर माल को लेकर के हापुड़ पहुंच गए थे। इसके अतिरिक्त 3 व्यक्तियों गिरफ्तार किए गए हैं जो हापुड़ में माल को खरीद रहे हैं। इनमें से 1 मुरादाबाद का है, 2 गाजियाबाद जनपद के रहने वाले हैं। देखिए, गिरफ्तार 1 अभियुक्त जो सलीम है उसके खिलाफ 13 मुकदमे हैं। वो अनूप शहर बुलंदशहर का रहने वाला है, लेकिन सभी मुकदमे वर्ष 2013 तक के हैं। और जो अन्य इनके साथी हैं इनसे पूछताछ की जा रही है कब तक इन्होंने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है और विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। ठीक है सर। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने अपनी साथी महिला सोनम को सवारी बनाकर मृतक के ट्रक में सवार किया था, जबकि मृतक चालक को हत्या से पहले नशीला पदार्थ भी खिलाया गया था। हत्याकांड की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने चालक के शव को पहासू इलाके में फेंक दिया और ट्रक को माल समेत जनपद हापुड़ ले गए। हालांकि पुलिस ने जहां आरोपियों को लूटे हुए माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं आरोपियों की निशानदेही पर मृतक चालक का शव भी बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूट और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। Time24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।